सियाटिका क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जब कमर में डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है और नस को दबाने लगती है, तब पैर में जो करंट की तरह दर्द जाता है या शूटिंग पेन जाता है, उसको हम सियाटिका कहते हैं। सियाटिका कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। 95% लोगों में इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से या दवाइयों से ही इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। रेयरली हमें कभी कभी स्पाइन में रूट ब्लॉक इंजेक्शन या फिर SNRP नाम का इंजेक्शन देना पड़ता है, जो कि हम एक्सरे विजन में देख के देते हैं, जिससे कि इस पेन का पूरी तरह से इलाज हो जाता है। सिर्फ उन कंडीशंस में जिसमें कि दवाइयाँ देके, मेडिसिंस का रेस्ट करके या फिर इंजेक्शन देके भी आराम नहीं आता मरीज को, तब हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन सर्जरी के हैं कि जब पैर में वीकनेस आ रही हो या नमनेस हो, टिंगलिंग हो, चलने में दिक्कत हो, पैरालिसिस हो या फिर मोशन और यूरिन का कंट्रोल जा रहा हो, तब भी हमको सर्जरी करनी पड़ती है। सियाटिका की सर्जरी भी बड़ी छोटी सी रहती है। हम इसमें माइक्रोस्कोपिक डिस्क सर्जरी करते हैं, जिसमें डिस्क के उस टुकड़े को हटा देते हैं जो कि नस को दबा रही होती है। ये एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी होती है, छोटा सा चीरा आता है, बहुत ही कम हड्डी को काटना पड़ता है और नस को हम पूरी तरह से खोल देते हैं और डिस्क से प्रेशर हटा देते हैं। इस सर्जरी में ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं और ज़्यादातर मरीजों को हम या तो उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह खुद ही चलाकर छुट्टी कर देते हैं। सियाटिका का पूरी तरह से अच्छे से इलाज हो सकता है, टाइम रहते अपने डॉक्टर को दिखाएं और टाइमली इसका इलाज कराएं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू।